त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई है। वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी श्राइन बोर्ड के अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। राज्य उत्तराखंड में अब वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी मंदिरों की तर्ज पर ही चार धाम की व्यवस्थाएं संचालित होंगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 51 मंदिरों की व्यवस्थाएं अब चार धाम विकास बोर्ड के तहत संचालित होंगी। बुधवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट में 36 में से 35 प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं। विधेयक के अनुसार चार धाम विकास बोर्ड में सीएम अध्यक्ष होंगे, संस्कृति विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसमें शर्त यह है कि सीएम अगर हिंदू हो तो ही अध्यक्ष होंगे, वरना सरकार के सीनियर हिंदू मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। 3 सांसद और 6 विधायक बोर्ड के सदस्य होंगे। 4 अन्य सदस्यों को सरकार नामित करेगी। पुजारियों के 3 प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। वरिष्ठ आईएएस अफसर इसमें सीईओ और पदेंक सचिव होंगे। चेहरी का सेम मुख्य मंदिर, गुप्तकाशी का विश्वनाथ मंदिर, त्रिजुगी नारायण मंदिर समेत कुल 51 मंदिर बोर्ड के दायरे में होंगे। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में बीच का रास्ता निकालते हुए राज्य कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को राजद देने की एक और कोशिश की है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब बंगले, गाड़ी आदि सुविधाओं का बकाया भुगतान सरकारी दर से 25% अधिक के हिसाब से करना होगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने बाजार भाव से बकाया भुगतान के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर सारा भुगतान माफ करने का फैसला किया था। राज्य सरकार के इस फैसले को फिर चुनौती दी गई थी और ये मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है।